लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज वही मातम कुर्सी में हम यहाँ आए हैं और बहुत जगह गए हैं और आगे भी जाना है, हर जगह जाना है। सांत्वना दे रहे हैं आनंद मोहन जी, उन्नाव पहुँच गए गाड़ी से ही दिल्ली से, और मैं दिल्ली से यहाँ आई जैसे सुनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। उन्नाव सड़क हादसे में जिसमें कई लोग घायल होते हैं, कई लोगों की मौत भी हो जाती है, उसमें कुछ लोग जो यात्री घायल हुए हैं और जिन यात्रियों की मृत्यु हुई है उनमें से कुछ यात्री शिवहर के हैं। जहां शिवहर पहुंची हैं, शिवहर से सांसद लवली आनंद और मृतक के परिजनों से मुलाकात करती हैं। मुलाकात करने के बाद उन्हें संवेदना भी अपने तरफ से प्रकट करती हुई नजर आती हैं और उसके बाद भावुक भी हो जाती हैं। सिर्फ अपने ही विषय में नहीं बल्कि अपने पति आनंद मोहन के विषय में भी बताती हैं। कहती हैं कि आनंद मोहन खुद उन्नाव भी पहुंचे हुए थे, वहां उन्होंने तमाम घायलों की मदद की, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने में उन्होंने मदद की। लवली आनंद को आपको बताएं तो दरअसल शिवहर के 8 लोग जो है वो इस सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद लवली आनंद बस दुर्घटना के मारे गए प्रत्येक परिजनों के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिजनों को सांत्वना दे रही हैं। इस दौरान सांसद सभी परिजनों के घर पहुंचकर हर संभव मदद की बात भी कह रही हैं और साथ ही साथ लवली आनंद ने जो है जानकारी दिया कि शिवहर में आगामी 15 जुलाई को शिवहर में होने वाले स्वागत कार्यक्रम को इसी वजह से रद्द कर दिया गया है। सांसद लवली आनंद ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि इधर हमारे भाई बहन की मृत्यु हो गई है और ऐसे में हम कैसे स्वागत करवा सकते हैं। दरअसल न्याय गांव में मृतक के परिजनों से मिलने के उपरांत लवली आनंद ने कहा कि बस दुर्घटना मर्माहत कर देने वाली दुर्घटना है, इस दुखद घटना होने के दौरान हम अपना स्वागत कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए, दरअसल 15 जुलाई को शिवहर में लवली आनंद का स्वागत समारोह रखा गया था जिसे लवली आनंद ने कैंसिल भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इतने सारे भाई बहनों की मृत्यु हो गई है सड़क दुर्घटना में, अब ऐसे में हम भला कैसे अपना स्वागत समारोह करवा सकते हैं। मृतक के परिजनों से मुलाकात कर रही हैं, हर संभव मदद करने की बात भी कह रही हैं और साथ ही साथ अपनी बातों को कहते कहते लवली आनंद देखिए किस तरीके से रोने लग जाती हैं और भावुक हो जाते हैं। तमाम वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। ना है और हम उसमें पूरा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं। हम सभी लोग मर्माहत हैं यहाँ के सब, खास करके शिवहर लोकसभा के बहुत सारे उसमें यात्री थे, 18 यात्री के जो घटना दुखद घटना में मौत हुई। तो इसमें हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज वही मातम कुर्सी में हम यहाँ आए हैं और बहुत जगह गए हैं और आगे भी जाना है, हर जगह जाना है। सांत्वना दे रहे हैं आनंद मोहन जी, उन्नाव पहुँच गए गाड़ी से ही दिल्ली से, और मैं दिल्ली से यहाँ आई जैसे सुनी। वहाँ भी वो पहुँच करके जो घायल है उसको भी हॉस्पिटल भिजवाना, जो मृतक है उसको इधर भिजवाना बिहार के तरफ, शिवहर के तरफ, जिसको जो भी ज़रूरत का है, जैसे किसी को दवाई का है, पैसे का है, एम्बुलेंस जा रहा है उसका भी दिलवा करके इलाज करवाने का, भोजन का व्यवस्था, कपड़े का व्यवस्था और पूरा जो भी हो सका संभव आनंद मोहन जी उधर कर रहे हैं। प्रशासन से भी, सरकार से भी बात उठ करके आज वहीं पर हैं और सारा व्यवस्था करके भिजवाए हैं उन गाँव में, और हम इधर